हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मीरा और आज के वीडियो में दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, ये हैं ड्रमस्टिक की पत्तियां, सहजन की पत्तियां हैं जिसे मैं पेड़ से तोड़ कर लाई हूं। और आज मैं इसके बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे बताने वाली हूं। अगर आपके घर के आसपास ये पेड़ उपलब्ध है और तब आप इसकी पत्तियों का सेवन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक हेल्दी पर्सन भी इसे खा सकता है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है या किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, बाल झड़ रहे हैं, तब भी हम इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसका सेवन करने से आपकी ये सारी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। हाई बीपी को तो ये बिल्कुल से ठीक कर देता है। इसी के साथ किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो वो भी इन पत्तियों का जूस पीकर उसे कम कर सकता है। तो मैं इसके बहुत सारे फ़ायदे बताऊंगी। इसमें ढेर सारा पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप केला खाते हैं, केले में जितना पोटेशियम आपको मिलता है उससे 3 गुना अधिक पोटेशियम आपको इन पत्तियों में मिलता है। हाई बीपी की समस्या वाले लोगों को इस पत्तियों को अपने आहार में शामिल कर लेना चाहिए। किसी भी रूप में आप इसे लें, चाहे आप इसकी सब्जी बनाकर खाएं, चाहे आप इसका जूस निकाल के पिएं, चाहे आप इसका काढ़ा बना के पिएं, क्योंकि आयुर्वेद में इन पत्तियों का बारे में कहा गया है कि 300 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिनको इन पत्तियों के सेवन करके हम दूर भगा सकते हैं। तो ये कितना अद्भुत पौधा है और इसे चमत्कारी पौधा भी कहते हैं। इनकी इसके गुणों के वजह से आप जो भी हरी सब्जियां खाते हैं उससे कहीं 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 ज़्यादा इसके अंदर जो है पोषक तत्व, खनिज तत्व, जो भी हमारे शरीर के लिए मिनरल्स, विटामिन्स हमें चाहिए होते हैं, वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। आप इसकी सब्जी बना के खाइए। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे वो सब्जी कैसे बनानी है मैं उसका वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। उसे आप देख कर इसकी मनपसंद देदा सब्जी बना के खा सकते हैं। आप किसी तरीके से, आप जैसे मेथी की सब्जी बनाते हैं उस तरीके से बनाएं, और आप इसे बस आप अपने डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि ये आपको कोई भी रोग होने नहीं देगा। आप बस इसकी सब्जी बनाते समय आपको इसके सिर्फ पत्ते तोड़ना है। इसकी जो ये बड़ी जो इसकी डंडी है, हार्ड पार्ट नहीं ले, सिर्फ पत्तियाँ लें, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ तोड़ के, बस इन्हीं की सब्जी बनती है। और जब आप इसका जूस भी बनाएं तब भी आप इसी को बनाएं, इसको अच्छी तरीके से वॉश करके बनाएं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसकी पत्तियों के इस्तेमाल से डरते हैं। उन्हें लगता है कि इसकी पत्तियाँ नहीं खानी चाहिए, सिर्फ इसका जो फल होता है जिसे हम सहजन कहते हैं उसी का सेवन करना चाहिए। पर नहीं दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है। और आपके अगर आसपास ये पेड़ है तो आप जल्दी से इसके पत्ते लाइए और उनका सेवन कीजिए। अपनी लाइफ को हेल्दी बनाइए। किसी भी फॉर्म में आप इसे खा सकते हैं। बस अगर ये पौधा आपके पास है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, यूज़ में लीजिए। अगर आप इन पौधों की पत्तियों को अपने घर पे लाएंगे, उनका जूस पियेंगे, उनकी साग सब्जी बना के खाएंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो जिस किसी को आयरन की कमी है तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।